एक्सपेरिमेंट क्या है वो देखेंगे, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम लोगों को करना क्या है, इम्प्लीमेंट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन यूजिंग पिक 16F877A। तो उसमें हम लोगों को पिक माइक्रोकंट्रोलर का जो डेवलपमेंट आईडी जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में देखा था उसका यूज़ करके जो इंस्ट्रक्शंस है अलग अलग रिलेटेड टू दी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस वो एग्जीक्यूट करके देखनी है, और उसके बेसिस पे एक टास्क रहेगा, वो टास्क हम लोगों को कंप्लीट करना है। सो इफ वी चेक अबाउट द इंस्ट्रक्शंस एड LW सब LW उसके बाद एड WF सब WF एंड XOR और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रोटेट एंड कॉम्प्लीमेंट, ये सारी इंस्ट्रक्शंस हम लोग को देखनी है। लाइक अराउंड 10 to 14 इंस्ट्रक्शंस दैट वी विल लुक इनटू, हम लोग देखेंगे ये सब इंस्ट्रक्शंस एक एक के बाद एक। तो उसके लिए हम लोग करना क्या है, जैसे हम लोगों ने पहले MPLAB X IDE ओपन करना है, फिलहाल न्यू प्रोजेक्ट बोल देंगे, तो माइक्रोचिप डेवलपमेंट स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट, नेक्स्ट क्लिक करें। उसके बाद हम लोग पिक 16F877 पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग यूज़ करेंगे वो माइक्रोकंट्रोलर सिमुलेटर ले लेंगे, क्लिक नेक्स्ट। उसके बाद है सिंपल MPSM जो असेंबलिंग लैंग्वेज में कर रहे हैं तो उसको चूज़ करो। उसके बाद है प्रोजेक्ट को नाम दे रहे हैं, प्रोग्राम के अंडर हम लोग दे देंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड विल क्लिक ऑन फिनिश। ये सेटअप कर लेगा पूरा अपना जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स है उस चीज़ का सबका, और यहाँ पे दिखा देगा। तो अंडर एक्सपेरिमेंट 2 सोर्स फाइल हम लोग ऐड करेंगे, सो टू ऐड दैट राइट क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन जनरल असेंबली, सो क्लिक फिनिश। इसमें जो चीज रिक्वायर्ड नहीं है हम लोग उस पार्ट को नाउ विल वाइप इट आउट। यहाँ तक के रिसेट वेक्टर तक के पार्ट को डिलीट कर देंगे, नीचे का जो पार्ट है इंटरप्ट सर्विस रूटीन हम लोग को अभी देखना नहीं है, यूज भी नहीं कर रहा, तो मेन प्रोग्राम तक के पार्ट हम लोग डिलीट कर देंगे। सो जैसे हम लोगों ने पहले भी किया था वो वाला पार्ट, यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बिट ऐड कर देंगे, तो टारगेट मेमोरी एंड देन कॉन्फ़िगरेशन बिट। सो या कॉन्फ़िगरेशन बिट में हम लोग एक्सटर्नल ऑसिलेटर वॉल्ट ऑफ टाइमर पावर ऑन रिसेट तो इनेबल नहीं है तो ऑफ करेंगे, ब्राउन आउट रिसेट को लो प्रोग्रामिंग को ऑफ कर देंगे। सो जनरेट द सोर्स कोड, सो सोर्स कोड जैसे जनरेट हुआ उसको लेके कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिए। सो मूव LW55, सो ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि पहला जो भी LW, सो मूव LW जो भी कंटेंट है 55 वो W रजिस्टर में मूव करेगी। उसके बाद मेरे को ये 55 की जगह पे मैं यहाँ पे ले लूँगा सपोज 1F 1C, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा एड LW जो 1C में या 1C या हम लोग जो चाहिए वो ले सकते हैं, 1C मैंने ऐसे ही ले लिया। उसके बाद उसमें ऐड कर लेंगे 0x1C, 1C प्लस हम लोग अगर दो उसमें ऐड करते हैं 0, सो C, D और E। सो व्हाट शुड हैपन, द रिजल्ट शुड बी 1E। तो 1C पे अगर 1C में अगर मैंने दो ऐड कर दिया तो D और E, इट शुड बी 1E, द रिजल्ट शुड बी देयर इन द एक्यूमुलेटर। तो हम लोगों को वर्किंग रजिस्टर को चेक करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे पहले इसको बिल्ड करके लेंगे। सो यहाँ पे ऊपर क्लीन एंड बिल्ड कर लेंगे। आफ्टर द क्लीन एंड बिल्ड हम लोग सिर्फ SFRs को चेक करेंगे, सो SFRs पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट डाल देंगे, ये ब्रेक पॉइंट डाल दिया हम लोगों ने, तो उसको यहाँ पे डीबग में जाएंगे, तो डीबग पे क्लिक करेंगे। डीबग पे क्लिक करने के बाद
यहाँ पे प्रोग्राम आके रुका है गो टू स्टार्ट पे, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे. सो MOVLW0x1C, तो SFRs में जाएंगे जहाँ पे वर्किंग रजिस्टर में ये 1C जाने वाला है. तो जैसे ही मैं प्ले पे क्लिक करता हूँ तो ये 1C यहाँ पे एक्स में आ गया. अब उसमें ऐड LW, इमीडिएट 02 उसमें ऐड करना है, एंड देन द रिजल्ट शुड बी श्योर. सो अगर हम लोग आगे देखेंगे तो 1E रिजल्ट में आ चुका है. तो इसी हिसाब से हम लोगों को बाकी भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करके देखनी है. चलिए देखते हैं अभी दूसरी इंस्ट्रक्शन. अब आगे के इंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि एक डेटा आपका मूव करके हम लोगों ने तो इमीडिएट वर्किंग रजिस्टर में ले लिया है. अब दूसरी कोशिश क्या करें, दूसरे इसमें क्या करेंगे कि आपका मूव WF, मतलब एक इंस्ट्रक्शन ऐसा करेंगे कि 1C हम लोग सपोज फाइल रजिस्टर में डाल देंगे. सो लेट अस टेक द लोकेशन एज 40. ये 40 लोकेशन पे हम लोग ये वाला डेटा 1C जो है वो मूव कर लेंगे. सो मूव WF, W के कंटेंट 40 लोकेशन पे भेज देंगे. तो इसे 1C तो अभी 40 पे चला जाएगा. उसके बाद हम लोग क्या करना है, हम लोग और एक वैल्यू ले लेंगे. अभी मूव LW करके नई वैल्यू 0x02 या 0x03, तो ये वैल्यू हम लोग वर्किंग रजिस्टर में ले लेंगे. एंड उसके बाद हम लोग एड WF40, ये 40H लोकेशन पे जो हम लोगों ने 1C रखा था वो उसमें ऐड करेंगे. इसमें वर्किंग रजिस्टर में, वर्किंग रजिस्टर में 03 वैल्यू है, उसमें 40 जो H लोकेशन पे हम लोगों ने ये 1C रखा था, ये 1C जो 40 पे रखा था वो उसमें ऐड कर देंगे. तो जो रिजल्ट रहेगा वो रिजल्ट आपका पूरा का पूरा उसके बाद हम लोग वर्किंग रजिस्टर में देख सकते हैं. तो 03 एंड 1C ये दोनों का एडिशन आएगा 1F, ठीक है. सो लेट अस सी कि रिजल्ट क्या आता है और कैसे आता है. तो उसको सेव करेंगे, उसको बिल्ड करेंगे. सो बिल्ड हो गया तो उसको हम लोग डीबग करेंगे. सो डीबग करते ही चालू हो गया. तो हम लोग SFR में जाएंगे पहले, अगर हम लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे 1C अभी वर्किंग रजिस्टर में आ गया. वर्किंग रजिस्टर के बाद हम लोग को ये डेटा 40H लोकेशन, फाइल रजिस्टर की ये लोकेशन पे मूव करने वाले. तो जैसे ही मैं रन करूँगा तो वो डेटा यहाँ पे 40 लोकेशन पे आ चुका है. अभी वापस से SFR पे जाएंगे, वर्किंग रजिस्टर में 1C है, अभी 1C विल बी रिप्लेस्ड बाय 03, तो ये 03 से रिप्लेस हो जाएगा. सो जैसे ही देखा तो ये 03 वर्किंग रजिस्टर में आ गए. अभी ये एड WF40H, मतलब जो यहाँ का 40 लोकेशन पे 1C जो है तो वो 1C यहाँ पे वर्किंग रजिस्टर में ऐड होगा. सो 03 विल बी एडेड विथ 1C एंड रिजल्टेंट विल बी 1F. तो ये देखते हैं. ओके, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो रिजल्ट है वो 40H, ये जो रिजल्ट आया है वो यहाँ पे 1F जो डायरेक्टली उसी फाइल रजिस्टर पे स्टोर्ड है. तो अगर हम लोग को वही रिजल्ट हम लोगों को अगर वर्किंग रजिस्टर में डालना है तो हम लोग को यहाँ पे 0 डालना जरूरी है. तो देखते हैं, वापस से हम लोग बिल्ड करेंगे अभी. तो एट WF डेस्टिनेशन हम लोगों ने सेट नहीं किया था, डेस्टिनेशन अभी सेट हो चुका है तो वर्किंग रजिस्टर में इसका रिजल्ट आएगा. सो वापस हम लोग SFRs देखेंगे. सो प्लेट, सो 1C आ गया, वो 1C फाइल रजिस्टर में मूव हो गया. वापस SFR देखेंगे, 03 इसमें आ गया. और वापस अगर करते हैं तो ये 0 के चलते यहाँ पे जो रिजल्ट है वो वर्किंग रजिस्टर में 1F आया है. अगर हम लोग इस वक्त फाइल रजिस्टर देखेंगे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं अपडेट हुआ है. तो दो तरीके होते हैं, 0 और
वन. सो वन अगर डालते हैं तो वो जो भी रिजल्ट है वो फाइल रजिस्टर में ही अपडेट कर देता है, और जीरो अगर डालते हैं तो वो वर्किंग रजिस्टर में अपडेट कर देता है. तो ऐसे ही आपको बाकी एक्सपेरिमेंट का पार्ट भी कंप्लीट करना है. थैंक यू.